सभी को मेरा नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं बेटा। पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर आप लोगों को फर्स्ट यूनिट पढ़ाई जा रही थी जिसका नाम था आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के अंदर आप लोगों को तिरजा अनुपात के बारे में बताया था, सीमांत तिरजा अनुपात के बारे में बताया था। उसके बाद में आप लोगों को इस सीमांत तिरजा अनुपात के साथ ज्यामिति और समन्वय संख्या का निर्धारण बता रहे थे, जिसमें से दो ज्यामिति त्रिकोणीय एवं अष्टफलकीय ज्यामिति के लिए आप लोगों ने तिरजा अनुपात ज्ञात करना सीख लिया। अब बात आ जाती है, आप थर्ड पॉइंट मैंने लिया चतुष्फलकीय, क्या लिख राहुल? चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय संरचना के लिए, कौन सी संरचना के लिए? चतुष्फलकीय संरचना के लिए सीमांत तिरजा अनुपात की गणना करना। किसकी गणना करनी है? सीमांत तिरजा अनुपात। कौन सी ज्यामिति के लिए बेटा? चतुष्फलकीय ज्यामिति के लिए। चतुष्फलकीय ज्यामिति के लिए सीमांत तिरजा अनुपात की गणना करनी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक घन का निर्माण किया लाओ सर। तो ये आपके पास में एक घन बना दिया। ठीक है, इसके साथ में इस प्रकार से आप ड्रो करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद ऊपर से नीचे लाएंगे, इसी प्रकार इसको भी ऊपर से नीचे लाएंगे और लाने के बाद में इनको आपस में मिला दें। ये आपके घनीय ज्यामिति बन गए। ठीक है, एक आ गया, एक घन के विकर्णों के सम्मुख कोणों को यदि मिला दिया जाए तो चतुष्फलकीय ज्यामिति बनती। हमने क्या किया, एक कण को यहाँ रखा ऋणायन को, उसी के सामने एक कण को अपने पास इसके इस कोने पे रखा, उसी के साथ में एक कण को यहाँ रखा और एक कण को यहाँ रखा। ठीक है, तो एक घन के एकांतर कोणों पे चार ऋणायनों को रखकर आपस में मिलाया जाता है तो एक चतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्माण होता है। यहाँ तक समझ गया राहुल? सर मैं थोड़ा सा, ये बेटा मैंने घन की बात बोली है या नहीं बोली है? यस सर। अच्छा, तो ये बताओ, माना कि ये घन है, इस घन की ये भुजा मान ली मैंने स्मॉल ए, कितनी मान ली? अच्छा, इसी प्रकार से इस घन की ये भुजा भी कितनी है? बोले ये तो घन की प्रत्येक भुजाएं समान होती है अलग अलग? समान। अच्छा, और इसको कितना मान के चल रहा हूँ मैं? स्मॉल ए। स्मॉल ए घन की भुजा मान के चल रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास में आपको एक स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, मेरे हाथ में घन है, मिल गया सर। ये घन की भुजा बेटा यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी है ए, ये भी कितनी है ए, ये भी कितनी है, ये भी कितनी है ए, सभी भुजाएं ए है या नहीं है? है सर। अभी बताओ आपके पास में ये प्लेन सरफेस क्या कहलाई, ये आयत वर्ग या वर्त क्या कहलाया? वर्ग। वर्ग कहलाया। इस वर्ग को अगर मैं बीच में से काटता हूँ, किस प्रकार से, वापस से सुनना, जैसे बीचों बीच इस प्रकार से मैंने कटिंग कर दी ए एस, ठीक है, तो ये बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा यहाँ पर? यहाँ पर। और ये वाला कितने का होगा? 90। एक वर्ग में कितने त्रिभुज बने? दो। समकोण बने या नहीं बने? सर। अच्छा, अब मैं यहाँ से वैल्यू निकाल रहा हूँ, उस चीज को पकड़ना आप लोग, है ना। क्या किया, यहाँ से इस त्रिभुज को या इस वर्ग को दो भागों में बांट दिया,
पिंक कलर से नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा तो बताओ कितने त्रिभुज बन गया अबे? दो। ये वाला कोण अभी मैंने बताया था स्क्रीन पर कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। अच्छा तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है? यस सर। ये मान लिया बेटा मैंने ए बी और ये सी। अच्छा तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो? सर अतः पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में बताओ अपने पास ए सी क्या कहलाया? कर्ण, राइट। तो बताओ क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, कौन सा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा अब बेटा ये बताओ ए सी, ए सी की वैल्यू कितनी है? ए सी की मालूम है क्या? नो सर नहीं मालूम। तो ठीक है ए बी का मान बोलो कितना दे रखा है? ए स्मॉल ए का होल स्क्वायर। अच्छा प्लस में बी सी की वैल्यू भी कितनी दे रखी है? ए ए का स्क्वायर। कितनी बार हो गया? टू ए स्क्वायर। टू ए स्क्वायर। ये ए सी का मान आया या ए सी स्क्वायर का आया? एसी स्क्वायर का। अब हमें एसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कितनी आ जाएगी? रूट टू ए। रूट टू ए, दैट इज इक्वेशन नंबर वन। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है क्या फिलहाल? नहीं है। अब ये बताओ अपने पास में कि यहाँ ए पॉइंट पर कौन है बेटा, ऋणायन या धनायन? ऋणायन। ऋणायन है। इस ऋणायन की त्रिज्या कितनी काम आ रही है? आर माइनस। आर माइनस भाई केंद्र से परिधि की दूरी है। अगर मैं ये मानता हूँ दोनों ऋणायन बहुत बड़े बड़े हैं, दोनों ऋणायन क्या बेटा? बड़े बड़े। बड़े बड़े से मेरा मतलब क्या है, तो मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक डेमो करने का प्रयत्न करूंगा। ये मान लो एक ऋणायन मेरे पास में ये है, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है बताओ पहले? तो दे रहा है सर। मान ली बेटा दो। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लिया जाए एक ऋणायन तो यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और एक ऋणायन यहाँ पे रख दिया, तो अगर इतनी बड़ी साइज के हैं तो ये बताओ आपस में टच हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। इसका केंद्र से परिधि की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? आर माइनस। आर माइनस। दूसरी साइड में भी केंद्र से परिधि की दूरी कितनी हो जाएगी? आर माइनस। आर माइनस, तो ये भी आर माइनस। तो मतलब अगर मैं इन दोनों को बहुत बड़ी साइज का मान लेता हूँ, अब सर बहुत बड़ी साइज से मतलब क्या है एक बार वापस से बता दो, कोई बात नहीं है। ये बताओ मैंने अभी कुछ समय पहले ये वर्ग की इमेजन करी थी या नहीं करी थी? यस सर। अच्छा तो ये वर्ग कौन सा है? ऊपर वाला प्लेन। अब इसमें याद करो इसको कितने भागों में बांट दिया था? दो। दो भागों। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी लैंग्वेज पकड़ो। अगर यहाँ पर ये कर्ण बहुत ही बड़ा है, ऋणायन इतना बड़ा, और बेटा ये ऋणायन भी इतना बड़ा है, दोनों ऋणायन बड़े बड़े हैं और आपस में मिल गए। अब ये बताओ अपने पास में दो ऋणायन आपस में मिले या नहीं मिले? मिल गए सर। मिल गए। तो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी है? आर माइनस। अच्छा इसका केंद्र से ये परिधि की दूरी ये कितनी है? आर माइनस। अगर दोनों को मना दिया जाए तो टोटल दूरी कितनी है? टू आर माइनस। ये बेटा ए बताई थी, ये बी बताया था, ये सी। तो AC भुजा कितने आर के बराबर है?
2R माइनस के। यहाँ तक समझ में आए कि नहीं आई बात? यस सर। अच्छा तो मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ चूंकि AC इज इक्वल टू 2R, हाँ या ना? यस सर। ठीक है भैया, तो आपने कहा, मैंने लिखा कि AC इज इक्वल टू कितने R? 2R। 2R, लेकिन अपने पास में उससे पहले ये लिख दिया AC बराबर 2R माइनस, समीकरण नंबर 2। क्लियर है? यस सर। या थोड़ा सा अच्छा रिप्रेजेंट करना चाह रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, AC बराबर R माइनस प्लस में R माइनस। AC बराबर कितना हो गया? 2R। अच्छा, इससे पहले बताओ किसकी वैल्यू निकाली थी आपने? AC की। AC की वैल्यू कितनी थी? √2A। तो समीकरण 1 में ये तो कलाई बेटा राइट साइड, और ये कौन सी कलाई? लेफ्ट साइड। अच्छा इधर बताओ ये कौन सी साइड कहलाई अपने पास में? राइट साइड। और ये लेफ्ट साइड। दोनों में लेफ्ट साइड बराबर है या नहीं है? यस सर। मैं लिख दूं क्या कि समीकरण 1 एवं 2 में LHS समान है? क्लियर? यस सर। तो क्या समान होगा? RHS बराबर। RHS भी समान होगा, तो इन दोनों को बराबर कर दूं? यस सर। अच्छा तो बताइए अपने पास जो संबंध आया 2R माइनस बराबर, तो ये AC का मान समीकरण 2 में किसके बराबर था? √2A। अच्छा √2A, कोई प्रॉब्लम आता है क्या? नो सर। आर माइनस बराबर क्या आया? √2A/2। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। कितनी होगी? 3। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो राइज हैंड करके और पूछ सकता है पुनः वापस। ठीक है। अच्छा अब बेटा थोड़ा सा मैं और आगे रन कर रहा हूँ। अब बात आती है इसी डायग्राम को फिर से विभेदित करता हूँ, क्योंकि हमें धनायन और ऋणायन के तिरजानुपात निकालनी है। तो ये बताओ इस घन के कोणों पर आपने रेड पेन से धनायन रखे हैं या ऋणायन रखे हैं? ऋणायन। ऋणायन रखे हैं। अब मैं धनायन रखूं? यस सर। तो धनायन देखो अपने पास में ब्लैक कलर से धनायन इनके बीच में दिखाई दिया। हाँ सर। ये कौन सा आयन है? धनायन। धनायन। आपको क्या निकालना है? धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात। अनुपात निकालना है। तो थोड़ा सा मैंने ज्यादा डार्क कर दिया, एक बारी पेन चला देता हूं। ये आपका है धनायन। क्लियर? यस सर। अब मैंने क्या किया बेटा, इस चीज को पुनः डिवाइड किया। वापस ढंग से देखना और इसको डिवाइड कैसे कर रहा हूं अपने पास में। ये कलर चेंज कर दिया, देखो ए भुजा को मिला दिया डी भुजा से, दिख रहा है ये? यस सर। ये बेटा मैंने कट कर दिया। कर दिया? यस सर। इन दो कोणों को आपस में मिलाकर के पूरे घन को दो भागों में बांट दिया ताकि एक धनायन मिला अपन को। मिल गया? मिल गया सर। मिल गया। अब बेटा ये पॉइंट मान लिया, डी मान लिया, क्या मान लिया? डी। डी, ये बताओ डी पर कोई ऋणायन कण तो नहीं रखा ना फिलहाल? नो सर। कोई बात नहीं, अब अगली बात सुनो मेरा। यहां से अब मैं क्या कर रहा हूं, पूरा ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो एक त्रिभुज और बना या नहीं बना? ये वाला त्रिभुज बन गया। देखो ए सी और कौन सा त्रिभुज बन गया? ACD। ए सी और डी। लाओ भाई आगे चला। अब अपने पास में त्रिभुज कौन से बताया आपने? ए डी और सी से। आप म्यूट हो जाओ, युवराज आवाज सुनाई दे रही है?
अच्छा बेटा ये बताओ अपने पास में ए डी सी में ए डी भुजा क्या कहलाई? करण। करण कहलाया, तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। यस सर। तो ए और डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर लाओ सर। तो बेटा ए सी स्क्वायर इज इक्वल सॉरी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस क्या बताया आपने? सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर बहुत अच्छी बात बताई। अब अपने पास में मैंने वापस से रिप्रेजेंट किया इसको, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू देखो देखा कितनी है समीकरण एक से, देखो कितना मिला? रूट टू ए। रूट टू ए मिला, तो ये लिख दिया आपके पास में ए सी की वैल्यू अंडर रूट टू ए और पूरे का होली स्क्वायर प्लस में सी डी की वैल्यू देखो बेटा कितनी है? घन की भुजा महक नहीं है ए, ठीक है ये ए हो गया। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ मेरे को जल्दी सी। नो सर। अच्छा यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब मैं इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए इंटू अंडर रूट टू ए, इसका मतलब ये अलग है ये सर दो बार है ना ये प्लस में कहलाया बेटा ए स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर म्यूट कर लो आप। छाया छाया बेटा अंडर रूट दो को अंडर रूट दो से गुणा करते हैं तो बताओ क्या आएगा? अंडर रूट हट जाएगा रहेगा? आवाज नहीं हो पाई, अनम्यूट नहीं हो पाए। सचिन है सचिन मुकेश? यस सर। अंडर रूट दो को अंडर रूट दो से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? केवल 2a स्क्वायर। और a को a से किया तो a स्क्वायर हो गया प्लस में क्या है? a स्क्वायर। टोटल कितने स्क्वायर हो गए? 3a स्क्वायर। ये किसके बराबर है? AD स्क्वायर के। AD की वैल्यू निकाले तो पूरे का अंडर रूट करें तो यस सर तो क्या आया? अंडर रूट ए। ये हो गई समीकरण नंबर तीन। कितनी होगी भाई समीकरण नंबर तीन? तीन। ये पहले तो कोई इतना समीकरण तीन दे रखी, इसको चार दे देते हैं। कितना हो गया समीकरण नंबर चार? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ फिलहाल? नहीं है। आगे बढ़ता हूँ ठीक है। अब एक कदम और बढ़ाया लाओ सर बताओ। तो भाई आनंद आनंद। यस सर। अच्छा बेटा सुनो। यस सर। सुनो एक सेकंड ये बताओ आप स्क्रीन पे देखो और ये बताओ ए भुजा और डी भुजा मिली? यस सर। अच्छा तो यहाँ पर ए भुजा और डी भुजा में ये सेंटर नजर आया ब्लैक पेन से? यस सर। बेटा इस साइड में ये धनायन की त्रिज्या कितनी कहलाई? आर प्लस। अच्छा और ये रेड वाला ऋणायन की त्रिज्या कितनी कहलाई? आर माइनस। इस साइड में ये धनायन की त्रिज्या क्या कहलाई? आर प्लस। और डी के ऊपर कोई ऋणायन कण है या नहीं है? नहीं है। नहीं है तो मैं इस ए डी भुजा का आधा कर दूं? ये देखो ए डी भुजा का मैंने हाफ किया बेटे, ये हाफ कर दिया तो बताओ तो यहां से यहां तक की भुजा कितनी कहलाई? आर प्लस प्लस आर माइनस। बस मेरा काम चल गया। कौन सी भुजा को आधा किया? एडी भुजा को। एडी भुजा को। तो ये आपने कार मैंने लिखा
तो ये आपने कहा सर ए डी भुजा का आधा करेंगे, तो क्या बताया आपने? आर प्लस प्लस आर माइनस। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ दिखा। नो सर। अच्छा अब सुनो बेटा, मैं वज्र गुणा करता हूँ, तो बताओ ए डी इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई? आवाज नहीं आई मेरे पास। हाँ सर। ये ए डी बराबर क्या मान आया? 2R प्लस प्लस R माइनस। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब राहुल दिनेश, यस सर, ये बताओ बेटा ये किसकी वैल्यू निकाल लिया अब आपने? AD। इससे पहले बताओ किसका मान निकाल रखा आपने? AD का। समीकरण चार और समीकरण पांच में AD का मान है या नहीं है? एक राइट साइड और ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। ये बताइए कौन सी साइड है राइट और ये लेफ्ट, दोनों में कौन सी साइड बराबर है? लेफ्ट साइड। मैं ऐसे लिख दूं कि समीकरण चार एवं पांच में LHS समान है, अतः RHS भी समान होंगे। क्लियर? यस सर। तो ये बताओ समीकरण पांच में इस AD का मान समीकरण चार से रखूं? यस सर। AD का मान समीकरण चार में क्या है रखो, या एक काम कर लेता हूं, मैं पहले वैल्यू रख लेता हूं, 2R प्लस R माइनस है या नहीं है ये रहा? Yes sir। इजिकल टू AD का मान टीप करके बताओ कितना है? रूट थ्री ए। थ्री ए कर दो बराबर? Yes sir। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? No sir। R प्लस R माइनस बराबर क्या हो गया? रूट थ्री ए। कौन? टू। तो ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ये समीकरण छह निकल गई। कितनी निकली भाई? समीकरण छह। अब ये समीकरण छह अपन का टारगेट क्या मालूम है? मेरा टारगेट धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का क्या निकालना है? अनुपात। अच्छा लाओ। तो अब जो समीकरण छह है, समीकरण छह में भाग दे दिया जाए, समीकरण छह में किसका भाग देने पर? समीकरण तीन का। किसका? समीकरण तीन का। ये दिखाई दी आर माइनस? यस सर। हेलो भाग दें क्या? यस सर। ठीक है, अब आप भी म्यूट कर लो थोड़ी देर के लिए। पवनम, पवन पवन आवाज पहुंची बेटा? पवन बलवंत। यस सर। अच्छा यहाँ तक ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो? अब समीकरण छह लिखो पहले, ले ये रही। हाँ सर। समीकरण छह लिखे तो समीकरण छह की वैल्यू है बेटा आर प्लस प्लस में आर माइनस इजिकल टू अंडर रूट थ्री ए बटे में दो, राइट। अब इसमें क्या करना है? भाग देना है। लो सा भाग देना है। किसका भाग देना है? कौन सी समीकरण का भाग देना है? समीकरण तीन का। पवन आपका नेटवर्क बेटा कम काम करता है तो आवाज नहीं आ पाती है। योगेश अनम्यूट हो देगा? योगेश। नमस्ते बेटा। अच्छा ये बताओ अपने पास में मैंने क्या बोला, अब ये समीकरण तीन का मान क्या है?
आर माइनस बराबर रूट टू ए अपॉन टू। अच्छा तो ये कर लिखते हैं यहाँ पे। यस सर। चलो भाग दे दिया, किसका भाग दे रहा हूँ, समीकरण तीन का, आर माइनस फिर यहाँ पर क्या था भैया, अंडर रूट टू अपॉन टू, राइट। यस सर। अच्छा अब मैं बायोलॉजी के बच्चों के हिसाब से चल रहा हूँ बिल्कुल सर, आर प्लस आर माइनस भाग आर माइनस बराबर अंडर रूट थ्री ए बटे में दो, और ये बताओ इसका मतलब किसका निशान है, ये बटे का, मतलब भाग, भाग का, भाग का क्या है अंडर रूट टू ए अपॉन टू। अब भाग को किस में बदल देंगे, गुणा में, किस में, गुणा में, आर प्लस आर माइनस आर माइनस अंडर रूट थ्री ए अपॉन टू इन टू में, अब कौन ऊपर चला जाएगा, टू। अच्छा बताओ कौन क्रॉस हो गया आपस में, टू से टू और ए से ए। ए अब क्या बचा वो लिखें। यस सर। धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या बटे में किसके, ऋणायन की त्रिज्या, ऊपर क्या बचा अंडर रूट थ्री, नीचे क्या बचा रूट टू। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताओ दिखा। नो सर। अच्छा अब अपन इसको सिंपलीफाई करके कैसे क्या लिख सकते वो देखो। अब ये धनायन की त्रिज्या मैं इसको ऐसे कर लू क्या कि r प्लस अपोन r माइनस प्लस में r माइनस अपोन r माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री अपोन अंडर रूट टू। तो ठीक है राहुल कैमरे को हटा दे। अच्छा उसके बाद मतलब r माइनस में r माइनस का क्या चला गया, भाग, कितना बचा, वन। वन तो आपने बोला सर आर प्लस अपॉन आर माइनस प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री अपॉन अंडर रूट टू। अभी बताओ ये प्लस का वन जब पक्षांतरण करेंगे बराबर के उधर तो किस में जाएगा, माइनस में। लो भैया तो आर प्लस अपोन आर माइनस इज इक्वल टू क्या था, रूट थ्री अपोन रूट टू माइनस में कितना हो गया, वन। इसका एलसीएम ले लें। यस सर। आर प्लस आर माइनस इज इक्वल टू लघुत्तम कितना आया, रूट टू। अच्छा तो इसको सोल्व करो तो कितना है अंडर रूट थ्री माइनस रूट टू। अच्छा आर प्लस अपॉन आर माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री का मान 1.732। अच्छा इसका मान 1.414 अपॉन में क्या हो गया 1.414। अच्छा यहाँ तक समझे नहीं समझे। यस सर। ये धनायन और ये ऋणायन की त्रिज्या सोल क्या तो बेटा 0.225 आएगा, कितना आएगा 0.225। अच्छा ये बताओ ऊपर धनायन है ऋणायन, ऊपर धनायन नीचे ऋणायन, किस किस की त्रिज्याओं का अनुपात है ये, धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्याओं का, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, त्रिज्या अनुपात। लेकिन कौन सी ज्यामिति के लिए निकाला, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्माण एक घन के एकांतर क्रम के चार कोणों पर ऋणायन रखते हैं उनके बीच में धनायन मान के चलते, समझ गए। यस सर। बेटा ये तीन चार नंबर में प्रश्न पूछते हैं तो कर लोगे क्या, यस सर। अच्छा एक बार मैं आपको, वर्ग, इस वर्ग को कितने त्रिभुज मिले, वर्ग से दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज मिले तो ये बताओ अपने पास में इस घन की या वर्ग की ये भुजा कितनी कहलाई,
ए ये वाली बुझा स्मॉल है, स्मॉल है ए। अब अपने पास पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या निकल गया था, अंडर रूट टू ए। क्या निकला? टू ए, अंडर रूट टू ए। तो क्या आपकी समीकरण एक कहलाई थी, याद आया? यस सर। अच्छा, लेकिन अगर ये कण मैं बेटा बड़े बड़े मान लेता हूँ, जैसे यहाँ पर भी ये बड़ा सा कण रख देता और यहाँ पे रख देता, तो बताओ अपने पास में जो भुजा कण है ए सी भुजा है, वो कितने आर के बराबर बताया था, आर माइनस प्लस आर माइनस के बराबर। यस सर। तो आर माइनस के बराबर बताया था, नहीं बताया था? यस सर। अब इन दोनों से हमने क्या कर दिया था, आर माइनस का मान निकाल लिया था, बस पहला काम तो ये हो गया। हो गया आया ना? हाँ सर। अब दूसरा काम सुनो, अब इस घन में से एक चतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्माण कर रहा हूं मैं, इसमें से एक चतुष्फलकीय ज्यामिति निकाल रहा हूं। ये देखो, ये आपके पास में वापस से घन है और इसको मैंने मिला करके तोड़ दिया ये ले। तो देखो ये चतुष्फलकीय ज्यामिति मिलेगी साहब। अच्छा अब भैया सुनो, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो लैंग्वेज पकड़ो मेरी वापस से। ये भुजा बताओ अपने पास ये वाली कितनी है, इसको मैं वापस रख देता हूँ आपके सामने। ये एक कण रख दिया मैंने, दूसरा कण रख दिया और ये तीसरा कण रख दिया, ठीक ना। तो ये बताओ अपने पास में ये दूरी कितनी बताई थी आप लोगों को, ये वाली ए, ये वाली दूरी कितनी बताई थी ए। अब बताओ यहां से अपने पास में ये विकर्ण है या नहीं है? यस सर। ये विकर्ण है, ध्यान करो। अब ये विकर्ण है वो कितना हो गया अपने पास में, ये भुजा कितनी हो गई, थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, मैं इसको बीच में छोटा सा और जोड़ लेता हूँ। ये भुजा जो है इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कितनी हो गई, अंडर रूट रूट टू ए, अंडर रूट टू ए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो वापस से, फिर अंडर रूट टू ए से हमने ये वाली भुजा निकाल ली, ठीक है ना। तो ये वाली जो भुजा आई थी वो अंदर से वो कितनी आई थी, अंडर रूट थ्री ए, कितनी आई थी, थ्री ए, अंडर रूट थ्री ए। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन में आगे दिखा देता हूँ। लाओ गुरु जी, मैंने क्या किया, इसको बेटा बीच में से फिर से काट दिया। तो ये भुजा तो आपस से सीडी तो आपकी कितनी है, यही है ना, यही है। अच्छा, लेकिन एसी भुजा कितनी है, रूट टू ए, रूट टू ए। तो बेटा बताओ रूट टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, रूट थ्री ए, रूट थ्री ए। और रूट थ्री ए के हिसाब से हमने एडी का मान क्या बताया था, ध्यान करो, एडी बटे दो बराबर किसके था, R प्लस प्लस R माइनस। अच्छा, यहाँ से AD का मान निकालोगे? यस सर। दोनों को बराबर कर दिया, बराबर करने के बाद समीकरण छह में समीकरण तीन का भाग दिया और भाग देने के बाद में आप लोग फाइनली धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात निकाल पाए। तो कौन सी ज्यामिति के लिए, चतुष्फलकीय।